follow traffic rules, don't overspeed, wear a seatbelt, wear a mask. स्कूल खुल चुके हैं और छात्र अब फिर से स्कूल में पहुंचने लगे हैं। सरकार की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि छात्र अगर स्कूल जाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है, वो जा सकते हैं, और जो छात्र घर रह के पढ़ाई करना चाहते हैं वो घर रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है, लिहाजा छात्र भी कई सारे उन्हें डाउट्स हैं, उन डाउट्स को लेकर अब स्कूल जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। खबर में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय सरकार ने फिर से स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ है, यह एक बड़ा सवाल है। कोरोना महामारी के बीच राहत वाली बात यह है कि देश में कोरोना की वैक्सीन आने के बाद लोगों को शनिवार से टीका लग रहा है, लेकिन कोरोना के संकट में सोशल मीडिया पर फेक खबरों का वायरल होने का सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में लोगों को विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत। इस बीच कुछ इसी तरह से सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की तरफ से स्कूल और कॉलेज को एक बार फिर से बंद करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज की प्लेट वायरल है जिसमें लिखा है कि स्कूल तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं। दिल्ली में भी छात्र अब स्कूल जाने लगे हैं और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 1 फरवरी से स्कूलों को खोलने का आदेश दिया गया है। लेकिन इस बीच जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि स्कूल को फौरन बंद करना है, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्या वाकई में सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है? जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं उसकी पड़ताल की गई ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। इस खबर की पड़ताल की गई तो सामने आया कि जो दावा किया जा रहा है वो तो पूरी तरह से गलत है। इस खबर की जब सच्चाई पीआईबी के फैक्ट चेक की टीम ने जांची तो साफ हुआ कि यह दावा पूरी तरह से भ्रामक है। पीआईबी के ट्विटर हैंडल से भी साफ किया गया है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो आधारहीन हैं, क्योंकि सरकार की ओर से कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। पीआईबी ने साफ तौर पर कहा है कि गृह मंत्रालय ने स्कूल और कॉलेज को बंद करने संबंधित कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। ऐसे में लोगों से अपील ये भी की जा रही है कि लोग ऐसी खबरों पर भरोसा कतई ना करें। जो स्नैपशॉट सोशल मीडिया पर वायरल है वो भी पूरी तरह से फर्जी है, उसे एडिटिंग की मदद से तैयार किया गया है। तो कुल मिलाकर जो दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है। एक तरफ रमेश पोखरियाल निशंक हैं तो दूसरी तरफ ब्रेकिंग की प्लेट चल रही है और उसमें जो टेक्स्ट लिखा है उस पर भरोसा ना कीजिए, क्योंकि स्कूलों को बंद करने संबंधित कोई भी आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है। स्कूल खोलने संबंधित जो आदेश पहले थे वही हैं, छात्र चाहें तो स्कूल जा सकते हैं और उसमें उनकी मर्जी होगी, उनके पेरेंट्स की सहमति भी जरूरी है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई अटेंडेंस के लिए उन पर कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है। जो आदेश की कॉपी वायरल हो रही है, जो स्नैपशॉट वायरल हो रहे हैं उस पर भरोसा आप कतई ना करें।